एक आम इंसान को राहत चाहिए इस टाइम जो है, क्योंकि महंगाई बहुत ऊपर है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन से पहले रेट कम करने का। मोदी है तो मुमकिन है और सब अच्छा होते जाएगा। मोदी जी ने जो पेट्रोल घटाया है अभी बहुत अच्छा किया है, भले ही 2 रुपए घटाया, कुछ न कुछ तो राहत दी है। एक आम इंसान को राहत चाहिए इस टाइम जो है, क्योंकि महंगाई बहुत ऊपर है। बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन से पहले रेट कम करने का, और हम काफी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं तो हमारी तीर्थ यात्रा पे कम से कम हमें 200 से 300 रुपए की बचत होगी। हम अभी हल्द्वानी और जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो मोदी जी का ये कदम सराहनीय है और देश की जनता को अच्छा लगेगा। सर लगभग अमूमन महीने में कितना तेल डलवाते हैं, महीने में कितनी बचत? हमारा 50,000 रुपए का तेल डलता है, सब गाड़ियों में डलता है महीने का। उसमें कितना लगभग बच जाएगा आपको? 2-3 हजार तो बचेंगे। इससे महंगाई भी कम होगी क्योंकि हाँ डीजल से महंगाई कम होगी, ट्रकों का भाड़ा कम होना चाहिए। मोदी सरकार में जो हुआ है अभी 2 रुपया पेट्रोल का भाव कम, बहुत अच्छा हुआ है और मोदी है तो मुमकिन है और सब अच्छा होते जाएगा। थैंक यू। बजट तो अभी और भी अच्छा निकलेगा, बजट तो जनता के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और मोदी सरकार आएंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। सस्ता हो गया तो कंफर्टेबल ही लगेगा, किसी को भी लगता है कम्फर्टेबल। अभी हमेशा तो रेट रहे या नहीं रहे पता नहीं, लेकिन आज के दिन तो बोलो या इलेक्शन तक सभी लोग पेट्रोल भर भर के ही लेने वाले हैं।